मुरादाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आज की बात करें तो आज रिकॉर्ड तोड़ 43 कोरोना संक्रमित मरीज मुरादाबाद में पाए गए हैं, जिसके बाद मुरादाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 719 हो गई है, जबकि 29 जो कोरोना संक्रमित मरीज थे उनकी मौत हो चुकी है। 250 के लगभग जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज मुरादाबाद के अलग अलग हॉस्पिटल, जो कोरोना के हॉस्पिटल बनाए गए हैं उसमें चल रहा है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के पीली कोठी चौराहे पर, और यहाँ पर पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो लगातार चेकिंग कर रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गाड़ी को रोककर चेक किया जा रहा है। हालांकि गाड़ी पर जो पार्टी है बीजेपी पार्टी उसका झंडा लगा है, लेकिन जो नियम कानून है वो सबके लिए बराबर है। लगातार चेकिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की यहाँ चेकिंग की जा रही है। पार्टी से संबंधित हो, बीजेपी कार्यकर्ता हो, बीजेपी अधिकारियों, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ यही है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की जाए, किस तरीके से मास्क का ख्याल रखा जाए, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, मकसद सिर्फ यही है। क्योंकि लगातार मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस भी पहले से ज़्यादा सतर्क होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर कार है तो उसमें सीट बेल्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है कि सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है। कुल मिलाकर मकसद मुरादाबाद पुलिस का, मुरादाबाद प्रशासन का यही है कि जो बढ़ता संक्रमण है उसे रोका जाए। मुरादाबाद के पीली कोठी चौराहे का आप नज़ारा देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और लगातार चेकिंग की जा रही है। लगातार आप हमारे कैमरे के दृश्य से आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान चला जा रहा है। हालाँकि लॉकडाउन लागू किया गया है, बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 3 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया था, आज तीसरा दिन है। आज सुबह 5 बजे टाइम खत्म हो जाएगा लॉकडाउन का, मिनी लॉकडाउन हम इसे कह सकते हैं। मिनी लॉकडाउन में जो आखिरी समय चल रहा है, हालांकि मुरादाबाद में कई जगह हमने देखा कि जो लॉकडाउन है उसका लोग पालन कर रहे हैं, बहुत कम अपनी ज़रूरत के मुताबिक घरों से निकल रहे हैं, और ये करना भी पड़ेगा क्योंकि अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने पड़ोसियों को, अपने क्षेत्रवासियों को। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रोक कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, कागजात पूछे जा रहे हैं, किस वजह से आप घर से निकले हैं, क्या कारण है, कारण बताइए। फिर उसके अगर बेवजह कोई घर से निकला है तो फिर उसका गाड़ी का चालान किया जाएगा, और अगर कोई वाजिब वजह है तो फिर उसे जाने दिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब यही है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है, किसी बहुत ज़रूरी काम है, तभी आप अपने घर से निकलें, नहीं तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से लॉकडाउन में मुरादाबाद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, और मकसद सिर्फ यही है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रखें, अपने शहर को सुरक्षित रखें। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार।